गुड मॉर्निंग क्लास फोर के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी परीक्षा के संदर्भ में कुछ बताने जा रहा हूं कि आपकी परीक्षा कैसी हो रही है। तो आपकी परीक्षा जैसा कि बताया गया है कि बहुविकल्पी होंगे, बहुत सारे विकल्प होंगे, चार ऑप्शन में आपको उसका आंसर एक ऑप्शन ढूंढना होगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि किताब का पूरा सही सही आपके पास ज्ञान हो, सही सही आप उसको जानते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पूरे किताब का अध्ययन हो। अब देखिए कि आज मैं आपके सामने दो प्रश्न फिर लिख रहा हूँ। जैसे ये सारे प्रश्न आपके विकल्प के हैं, चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अभी आपको क्वेश्चन आंसर लिख के आंसर नहीं देना है, सिर्फ विकल्प को ढूंढना है, सही कौन है और गलत कौन है। गलत को नहीं लिखना है, सही को लिखना है। तो उसके लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरा थौरो पढ़ें, आप किताब को पूरा पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, ताकि वह प्रश्न किस लाइन से है, किताब के किस अनुच्छेद से है, किस गद्य से है, किस कहानी से है, किस प्रश्न से है, किस प्रश्न की किस कविता से है, किस कविता के कौन से लाइन से है। तो जब तक कि आप पूरी किताब को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका उत्तर सही नहीं होगा। आप जैसे यहाँ देखिए, निवेदन शीर्षक कविता। अब निवेदन शीर्षक कविता में अन्नदाता किसे कहा गया है, निवेदन शीर्षक कविता में अन्नदाता किसे कहा गया है। तो अब आ जाइए, सबसे पहले निवेदन शीर्षक कविता आपके सामने है। अब देखिए इसमें अन्नदाता किसे कहा गया है, पहले ही लाइन में है, हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता। तो आनंददाता किसे कहा गया है, आनंददाता किसे कहा गया है, तो आनंददाता प्रभु को कहा गया है। इसलिए आप इसको प्रभु को ही आनंददाता के रूप में समझेंगे, ताकि आपका उत्तर सही हो, आनंददाता। इस तरह से अब आप इसको, इस आनंददाता को देखिए, इस तरह से आप इस आनंददाता को टिक करेंगे। आनंददाता में किसको टिक करेंगे आप, तो प्रभु को टिक करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, करत करत अभ्यास के जर्मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जर्मति होत सुजान। यह एक दोहा है, यह भी आपके ही किताब के चैप्टर में से है, किसी चैप्टर में से है, करत करत अभ्यास के जर्मति होत सुजान। ये किस में का है, तो अभ्यास का महत्व, नौ एक्सरसाइज। देखिए इसमें बरदराज वाली कहानी है, यह कहानी अभ्यास का महत्व, बरदराज वाली कहानी है। इस बरदराज वाली कहानी में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, करत करत अभ्यास के जर्मति हो तो सुजान। अब देखिए यह किसी प्रश्न में तो नहीं है, आपके किसी प्रश्न में नहीं है, किसी प्रश्न में नहीं है आपकी किताब में। तो मैंने इसको आपके लिए चूज किया, चूँकि बताया हुआ है। तो यह जर्मति शब्द, जर्मति शब्द का मतलब क्या होता है, इसी को बताना है। तो यहाँ देखिए प्रश्न में भी यही है, जर्मति के, तो जर्मति का अर्थ क्या है, तो जर्मति का अर्थ क्या होता है, विद्वान नहीं, गुणी नहीं, मूर्ख हाँ, तो ये मूर्ख हो गया आपका सही ऑप्शन, इसलिए सही घेरा गया है। इस तरह से आप इसको पढ़िए और तब याद कीजिए।